हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अपने एक और स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, इमरान से। इमरान यूपी के बरेली के पास की एक छोटी सी जगह से है, और इमरान से अभी इमरान का हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है एमसीए के लिए, और ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है, अभी घर जा रहा है। तो उसके पहले मैंने मुझसे मिलने आया तो मैंने बोला कि बच्चों को एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि कई लोगों को डाउट रहता है। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि केवल एनआईटीज ही नहीं है जहाँ पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट है, एनआईटीज के अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी हुआ, जेएनयू हुआ, डीयू हुआ, ये ऐसी जगह हैं या वीआईटी जहाँ पर बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं। और इनफैक्ट हैदराबाद के बारे में बता दूँ कि हैदराबाद में एवरेज प्लेसमेंट लगभग 6 to 8 lakhs के बीच में और हाईएस्ट 28 lakhs तक जाता है। आईटी सिटी है, प्लेसमेंट, क्राउड, सीनियर सपोर्ट, सब कुछ अच्छा है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और उस यूनिवर्सिटी में इमरान का सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है। और क्यों है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक और बच्चे से भी मिलवाया था, महिमा पांडे से, वैसे इमरान के बारे में बताऊंगा कि इमरान का 11th और 12th में मैथ्स नहीं था, 0 मार्क्स था। और जब ये आया था यहाँ पर, ये दिल्ली भी कुछ समय गया था, पर जब ये भोपाल आया था तो इसकी मार्क्स के बिल्कुल बेसिक भी क्लियर नहीं थे, और उसने इस बार के पेपर के टफेस्ट पेपर के बाद भी एक परफॉर्म किया और हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लिया। तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और इमरान, मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को एक चीज़ जरूर बताएं, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी यहाँ पढ़ के भी कि कई बच्चों का मैथ्स वीक होता है, पर आपका भी वीक था, पर आपने उसको डेवलप किया, अच्छे से मेहनत की और हर तरह से अपने आप को तैयार किया। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा उन बच्चों के लिए, स्पेशली जिनका मैथ्स वीक होता है। तो आप अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस हैं और हैदराबाद में भी जो आपको अभी क्योंकि ज्वाइन किए, कितने दिन आपने ज्वाइन करा है लगभग? मुझे ज्वाइन करें 1 महीना हो चुका है, और जिसमें क्लासेस भी मेरी हो रही है 16 तारीख से लगातार। ठीक, तो 1 महीने का जो आपका एक्सपीरियंस है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, वो एक बता सकते हो, कैंपस अच्छा है? क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम एनआईटी त्रिची नहीं गए या वारंगल नहीं गए या कैलीकट नहीं गए, पर आपने खुद भी देखा। और मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर कई बार बच्चे एनआईटी कैलीकट या भोपाल मैनेट ऐसे कॉलेज छोड़ के, ये कॉलेज छोड़ के भी हैदराबाद जाते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोली कि मैथ्स नहीं होने के बाद भी जो अचीवमेंट है आपका, वो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके लिए एक बार फिर से बधाई। तो आप बच्चों को बताओ कि क्या करना चाहिए कि वो अपने आप को डेवलप करें और समय रहते हुए पढ़ाई करें। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास मैथ तो मतलब मुझे मैथ का एक हाई स्कूल लेवल का भी कुछ नहीं आता था, मतलब बिल्कुल अगर सबसे बेसिक चीज़ उठाई जाए मैथ में ना, तो मुझे वो भी नहीं आती थी। तो उसके बाद मतलब मैंने 12th तो कर लिया, BCA भी कर लिया, लेकिन BCA के बाद मुझे मतलब अच्छे कॉलेज से MCA करना था, तो उसके बारे में मुझे कुछ मतलब मालूम नहीं था। तो उस समय भी मैंने सर की ही वीडियो देखी थी जो NIMCET का एग्ज़ाम कराता है, और वो बहुत अच्छा MCA वहाँ से होता है, मतलब NIT वगैरह कराती तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब मैं कोचिंग NIMCET करने की थी, तो मैं मतलब भोपाल मेरे लिए बहुत दूर था, यहाँ पे भोपाल में पहली बार फर्स्ट टाइम इतनी दूर आया था। तो उससे पहले मुझे मतलब मेरे दिल्ली में भाई वगैरह रहते हैं कज़न, तो उन्होंने बोला था कि दिल्ली में बहुत सारी कोचिंग है, दिल्ली में कर लो। तो मैंने उनकी बात मानी भी क्योंकि भाई थे, और फिर दिल्ली में मैंने देखा तो क्या है ना कि जब अपने अंदर से मतलब एक संतुष्टि नहीं मिलती कि मैं यहाँ पे हूँ, क्या पता मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मुझे वहाँ पे 2.5 महीने कोचिंग करने के बावजूद भी मुझे पहला चैप्टर भी नहीं आता था, मतलब इवन अगर पहला चैप्टर बोले तो वहाँ पे मुझे PNC पढ़ाया गया था, मुझे वो भी नहीं आता था। वो मैंने यहाँ पे जाना, और यहाँ आने के बाद PNC तो आज भी मैं नहीं भूलता कभी। लेकिन ऐसे कई सारे चैप्टर थे, जब मैं यहाँ पे आया तो सर से मिला, तो मैंने सर को बता भी दिया था सारी बात कि सर मेरा मैथ बहुत बेकार है। तो सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ आयो, तुम्हारे पास अभी टाइम है। मैं टाइम भी मेरे पास बहुत कम बचा था, क्योंकि 2.5-3 महीने तो मैं दिल्ली में बेकार कर चुका था, और यहाँ पे जा रहा है तो मेरे पास टाइम ऐसे ही था, लगभग 7 मंथ थे मेरे पास, और मैथ मेरा बिल्कुल ही बेकार था उस समय। लेकिन हिम्मत थी कि हाँ मैं करूँगा, क्योंकि मैंने ड्रॉप लिया था और सोचा था। और फिर सर जब यहाँ पे जब मैं आया तो सर से मिला, तो सर ने मतलब इतना मोटिवेशन कर दिया कि इतनी हिम्मत आ गई कि अब तो मतलब तिरछी से नीचे नहीं उतरूँगा। तो इस बार जो एग्ज़ाम है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर जो मैंने तैयारी की है, तो मैंने कुछ अपनी तरफ से मतलब ज़्यादा नहीं किया, मैंने जितना सर बताते रहे मैं उतना ही करता रहा। मतलब मुझे इतना नॉलेज ही नहीं था मैथ में जो मैं कुछ अलग से करूँगा या ये एडवांस करूँगा या वो बुक करूँगा, मैंने कोई बुक नहीं करनी थी। मैंने यहाँ पे जो सर बस कराते हैं वही बुक करनी थी, और जो सर का मटेरियल था सिर्फ वही किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था। तो सर ने खुद मुझसे बोला था कि तुम अब बुक भी रख दो, क्योंकि बुक ज़्यादा है तो वो भी नहीं हो पाएगी, जो मटेरियल मिल रहा है वो करो। तो मैंने मटेरियल से इतना करा था कि बेसिक पढ़ के मटेरियल से करते थे, तो मेरा मैथ इतना हो गया था कि बहुत अच्छा मैथ हो गया। मुझे लगा ही नहीं कभी कि मैं मैथ में करूँ, और लास्ट में आते आते तो मैं मतलब ये सब सारे बच्चों में मतलब जो इक्वल बहुत अच्छे वाले थे, जो कुछ IIT लेवल के भी थे यहाँ पे जो पहले से तैयारी करते थे, तो सारे लोगों के साथ मेरा इक्वल हो गया, तो कुछ बेकार नहीं था।
तो मुझे फिर एग्ज़ाम तो इस बार आप देखते हैं जो भी आया था उस एग्ज़ाम में मेरे लिए क्वालिफाई करना बहुत बड़ा मुश्किल बात था, लेकिन अगर जो यहाँ पे पढ़ाया गया उसके हिसाब से देखें तो वो एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत सिंपल था। मतलब उसमें जिस हिसाब से जो रैंक आई है सब लोगों की वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उतना स्कोर तो सर ने बता ही दिया था कि कितना भी टफ एग्ज़ाम आए इतना स्कोर तो तुम कर ही लोगे, और वही हुआ मेरे साथ कि मतलब एग्ज़ाम टफ होने के बावजूद भी मैंने उसमें स्कोर इतना करा कि आज मैं मतलब नेशनल लेवल का एग्ज़ाम पार किया। ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट बांटा क्योंकि वो सर की वजह से। मैंने आज तक तो मैथ में कभी एक क्लास में सेकंड लास्ट से सेकंड नहीं आया कभी मैं तो, लेकिन यहाँ पे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में भी मैंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया और मुझे NIT भी मिला था, लेकिन मैं NIT छोड़ के मैंने जो है हैदराबाद चूज़ किया क्योंकि सर से मैंने पूछा था तो सर ने बोला था अगर नीचे की कोई NIT मिल रही तो तुम हैदराबाद भी ले सकते हो, अच्छा है। लेकिन जब वहाँ गया, जब वहाँ जाने के बाद देखा मैंने तो वहाँ तो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक तो कैंपस तो बहुत बड़ा है, कैंपस तो इतना कि मैं एक महीने रहने के बावजूद भी नहीं घूम पाया पूरा कैंपस। और मेरी 12 तारीख को एडमिशन हुआ था, उसके जस्ट 16 तारीख से क्लासेज स्टार्ट हो गई, क्लासेज भी स्टार्ट हुई और बहुत अच्छा। मतलब वहाँ के जो टीचर थे काफ़ी क्वालिफाई हैं, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, तो वो जो पढ़ाते हैं मतलब पहले तो इंग्लिश में चलता है तो मेरा तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ जो पढ़ाया जाता है ना वो सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ मतलब पढ़ाते तो अच्छा है, उसके बाद जो प्लेसमेंट जो सोचते हैं ना हम लोग कि ऐसा होता नहीं है। मैं भी ये सोचता था पता नहीं वहाँ पे जाके क्या होगा कि मतलब प्लेसमेंट कैसा होगा ये क्या, लेकिन जब वहाँ गया तो पूरी बात पता लगी। सीनियर्स वगैरह से मिले, सीनियर हमारे मतलब वहाँ के सीनियर्स तो काफ़ी हेल्प करते हैं। MCA वहाँ का मतलब हैदराबाद का अगर सबसे स्ट्रांग है तो MCA है कि मतलब उनकी यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, तो सीनियर्स बहुत हेल्प करते हैं। तो मुझे जब सीनियर्स ने बताया कि यहाँ पे इतना सब कुछ होता है, मैं हाइपर सीनियर से मिला, अपने सुपर सीनियर हैं, मेरे सीनियर हैं सबसे मिला, तो वहाँ पे अब की बार जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 28 लाख गया था और एवरेज पैकेज जो था वो 6.7 मतलब गया था, मतलब सबका अच्छा हुआ था। और अभी जो मेरे सुपर सीनियर हैं वो अभी थर्ड ईयर में आए ही हैं, मतलब 5th सेम में आए, उनकी क्लासें अभी स्टार्ट ही हुई हैं और उनका भी 4 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, एक का 12 लाख हुआ है, 2 का 10 लाख हुआ है और 1 का 8 लाख हो गया। मतलब बहुत अच्छा एवरेज अगर देखें तो सही जा रहा है और बहुत अच्छा कैंपस लगा कुल मिला के। मुझे ये लगता है कि हैदराबाद अगर आप चाहते हैं तो मतलब NIT नीचे की आप अगर आपको अच्छा लगता है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि NIT छोड़ के कोई जाए, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो हैदराबाद, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ कि मतलब Top 4 के बाद हैदराबाद ले ले तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखें हमारे खुद सुपर सीनियर हैं जो NIT वारंगल छोड़ के आए हैं और अभी हमारे क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं जो कैलिकट छोड़ के आए हैं और मेनिट भी छोड़ के कई बच्चे गए, हर जगह के बच्चे मतलब जो जिसे अच्छा लगता है वो जाता है। तो वहाँ पे जाके जब देखा तो बहुत कुछ अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ बाकी सब कुछ अच्छा है, एवरेज सबसे अच्छा है। मतलब अगर कैंपस में तुम्हारा 50% प्लेसमेंट होता है तो ऑन कैंपस अगर 50% हो रहा है तो ऑफ कैंपस भी 50% पूरा हो जाता है, मतलब 100% पूरा प्लेसमेंट जो हो जाता है वो सीनियर्स की वजह से, क्योंकि सीनियर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी हैं। क्योंकि हैदराबाद मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे कैंपस में जाके, और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब अगर जिसको देखना है कि हैदराबाद में अगर एडमिशन ले तो वो ले सकता है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो मतलब वहाँ पे फीलिंग ही नहीं आ रही है कि कहीं से बेकार है या कुछ है, मतलब जो वहाँ का सुना माहौल काफ़ी बेहतर है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप हैदराबाद मेरे लिए तो बहुत बेहतर है, बाकी आप भी देख सकते हैं। और थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं सबसे ज़्यादा सर का, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये जो एग्ज़ाम नेशनल लेवल का था, क्योंकि मेरा मैथ बहुत बेकार था और मेरे माता पिता की तरह सर ने बहुत सपोर्ट किया है। और मैं आज भोपाल आया तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है, मतलब भोपाल तो ही मेरा घर जैसा लगता है मुझे, और यहाँ पे आने के बावजूद मतलब जाने का भी मन नहीं करता है जल्दी जल्दी। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे आने के बाद, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदत पड़ जाती है, जो वहाँ पे हैदराबाद इतनी दूर होने के बावजूद भी मैं वहाँ पे मतलब आराम से रह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि भोपाल में रह के मैं पहले सब सीख गया बाहर रह के, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और यहाँ भोपाल तो बेहतर है। और मोस्टली सबसे अच्छी बात तो ये कि जो सर भोपाल में बच्चे जो मतलब यहाँ आप जो वीडियो पढ़ते हैं ना सारे बच्चे आपकी, तो वहाँ पे ऐसा कोई बच्चा नहीं है सर, चाहे वो किसी भी कोचिंग का हो, कितनी मतलब कोई भी कोचिंग हो सर, वहाँ पे जो भी बच्चा अगर मतलब मुझसे मिलता है तो वो अगर देखता है, मैंने फोटो लगा रखा था व्हाट्सएप पे आपका अपने साथ, तो जो भी बच्चा मिलता है मतलब इम्पेटस के नाम से पहली बात तो इज्जत मिल जाती है। दूसरी बात यह कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आपको जानता ना हो, मतलब कोई पूछता नहीं कहाँ से आए, वो फोटो देख के ही लोग अपने आप पूछ लेते हैं, उल्टा मुझसे पूछते हैं तुम इम्पेटस से हो, मुझे बताना नहीं पड़ता कि मैं इम्पेटस से हूँ। तो मोस्टली बच्चे सर की वीडियो से ही पढ़ के आए, चाहे वो कोई भी कोचिंग का हो, कि बच्चे बता देते हैं पर्सनली सारी बात बताते हैं, तो मैं जब उनसे कहता हूँ तो बस यही पूछते हैं कि मतलब सामने कैसा होगा, मतलब जब तुम सर पढ़ाते हैं ऑनलाइन पे तो ऐसा है तो सामने कैसा लगता होगा तुम्हें। तो मैंने कहा मतलब सामने तो अच्छा ही लगता है, वो तो मैंने जाना है एक बार, अगर तुम्हें भी जानना है तो वहाँ जाके देखो अच्छा ही लगेगा। तो सबसे ज़्यादा थैंक यू सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट इमरान। और आपने जो अभी अपनी बातें बताई
बहुत अच्छी बात बताई और आपके लिए अचीवमेंट था। अचीवमेंट सबसे बड़ा ये था क्योंकि मैथ्स नहीं होते हुए भी परफॉर्म किया, कम टाइम में किया, जो आपने अभी जैसे बोला 2-2.5 महीने दिल्ली में खराब हुए उसके बाद भी, क्योंकि मेरा ये बिलीव है और वो बिलीव हर बच्चे में मैं ट्रांसफर होते हुए देखता भी हूँ कि भले जितना भी टाइम है उसमें भी अगर हम अपना 100% दें तो ये पॉसिबल है कि हम अच्छा कर सकें। अब आप हैदराबाद जैसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, और मैं चाहूंगा कि वहां पे भी आप एक बेस्ट परफॉर्मर बने और बहुत अच्छा प्लेसमेंट लें और जीवन में आगे बढ़ें। और केवल ऐसा नहीं करना आपको कि आपको आगे बढ़ना है, आप जिस जगह से आए वो बहुत छोटी जगह, आज आपका सिलेक्शन से आपकी जो जिस एरिया से आए, क्योंकि बरेली के पास छोटी जगह, वहां के लोगों को भी निकालना, आगे बढ़ाना, इस बात का भी ध्यान रखना है। और अगर मतलब ये एडमिशन पाना, अगर कहीं पे NIT जाना या इलाहाबाद जाना, ये भी मैं आपको मतलब सीधे बता देता हूँ कि अगर आप कहें मजाक में ले लें कि मैं खेल कूद से निकाल लूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि खेल कूद से निकल जाए। मेरा कम टाइम था, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सोचें कि कम टाइम में मैं भी निकाल लूँगा, इसने निकाल लिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले ही आ जाइए, ठीक है। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप जितना अच्छा टाइम होता है, अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होता तो शायद मुझे ये मेहनत ना करनी पड़ती, थोड़े कम में काम चल जाता। लेकिन मैं अगर स्पेशली बताऊँ तो मैं जब से आया था 6 या 7 महीने जो भी मेरे पास थे, मैंने अपना रूम और कोचिंग अभी तो मुझे भोपाल में कोई जगह नहीं पता है जो मैं जाता, क्योंकि जितना सर ने बताया मैं कोचिंग सिर्फ पढ़ाई करता था, बाकी कोई टाइम नहीं था मेरे पास, मतलब फालतू कोई टाइम ही नहीं था। यहाँ पे आने के बाद तो मेरा फ़ोन वगैरह, व्हाट्सअप तो, फेसबुक तो मैं पहले से नहीं ज़्यादा यूज़ करता था, और यहाँ पे आने के बाद तो ऐसा छूट गया कि फ़ोन में आज भी मैं मतलब जल्दी मेरे हाथ में फ़ोन नहीं आता, क्योंकि आदत छूटी हुई है। और ये आदत मेरे काम आती है आगे वहाँ पे भी, क्योंकि क्लास में बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, पर मैं फ़ोन कभी हाथ में लेता ही नहीं सर, क्योंकि आदत छूटी हुई है। और ये बहुत अच्छा है कि वहाँ पे पढ़ने में भी कामयाबी होती है, और जो यहाँ पे मेहनत करी ना, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है सर वहाँ पे। मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर मैं याद करता हूँ कि वहाँ पे जो मेहनत की थी, ये तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे तो बहुत कम टाइम देना पड़ता है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर और ज़्यादा आगे बढ़ना है तो वहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत मुझे लगती नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ मेहनत। तो सर अगर कोई मतलब, मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर जो चाहते हैं कि हम 6 महीने में कर लें या 2 महीने में कर लें, तो ऐसा नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और आपके पास अगर 1 साल या 2 साल भी है तो 2 साल से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब समय है जब मेहनत कर लेना चाहिए। जो इसने बात बोली बिल्कुल इसने सच बात बोली, इसने मुझे पेपर के बाद बताया भी कि सर मैंने पूरे 6-7 महीने जब से भोपाल आया हूँ, मुझे भोपाल में अपने रूम से कोचिंग के अलावा का कोई रास्ता नहीं पड़ा। मैंने जब ये आया था तो एक ही बात बोली थी इसने, क्योंकि बोला था मैथ्स वीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, 6 महीने इसको 12 महीने बनाओ। कैसे कि रोज़ जो बच्चा 6 घंटे पढ़ता है 12 घंटे पढ़ो, और इसने बिल्कुल उस बात को माना, बॉटम लेवल पर माना और उस लेवल पर मेहनत की, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये जो एक लगन होती है, अगर आपके अंदर लगन है अच्छे कॉलेज जाने की, इसने बोला था कि सर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले मुझे सेकंड ड्रॉप क्यों ना लेना पड़े, पर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैंने कहा सेकंड ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, अगर इतनी स्ट्रांग विल के साथ करोगे तो बिल्कुल पॉसिबल है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, और वो हुआ भी। आज आपके सामने खड़ा हुआ इमरान, और हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेने के बाद आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप इसी तरह से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।